हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द्रव्य का संगठन पढ़ेंगे। द्रव्य जो है वो दो पदार्थों से बना होता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो है वो तत्व और यौगिक से बना होता है। तत्व जो है वो भी तीन भागों में बांटे गए हैं, धातु, अधातु, उपधातु। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण होते हैं, ये समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। पहले हम शुद्ध पदार्थ पढ़ते हैं। इसमें ये निश्चित होते हैं और इसका रासायनिक संगठन जो कैसा होता है, स्थिर होता है। तत्व देखते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। वह शुद्ध द्रव्य जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही उनसे बनाया जा सकता, तत्व कहलाता है। इसका वर्गीकरण क्या है? धातु, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, तांबा। अधातु, इसमें आप देख रहे हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागा और धनायन, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उतने ही धनायन बनाते हैं। अधातु, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके अधातु। एग्जाम्पल आप देखिए, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन। जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और क्या बना दिया? क्लोराइड आयन। सल्फर ने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे और क्या बनाया इसने? सल्फाइड आयन। अब हम उपधातु देखते हैं, वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के रासायनिक गुणधर्म उपस्थित होते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसका आर्सेनिक, एंटीमनी। यौगिक देखते हैं, जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, जल एक यौगिक है, H2O। नौसादर जो है एक यौगिक है, NH4Cl। कास्टिक सोडा एक क्या है? यौगिक है, NaOH, यानी कि ये ज़्यादा से बना है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार के अनुपात को हम देखें तो कितना होता है? 1:8 होता है। हम अगले वीडियो में आपको अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ाएंगे।